हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे कि ब्रिज के ऊपर जो हमारे बेयरिंग पेडिस्टल्स हैं और इनके ऊपर बेयरिंग कैसे इंस्टॉल की जाती है। तो जहाँ पे आप सबसे देखोगे जी नीचे जो है मेरे पास जो रेनफोर्समेंट आ रहा है, जहाँ पे ये हमारा बेयरिंग पेडिस्टल का रेनफोर्समेंट है और इसके ऊपर 50 mm का क्लियर कवर आएगा, ठीक है। एंड देन इसके ऊपर क्या आएगा, हमारे पास बेयरिंग प्लेट आ जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये जो जहाँ पर लगाया हमने रेनफोर्समेंट लगाया है 16 mm का, उसके बाद हमने जहाँ पर एक बोल्ट लगाया हुआ है, तो ये एक्चुअली हमारे पास चेयर्स हैं बेयरिंग पेडिस्टल्स के, बेयरिंग पेडिस्टल में ये डाले हुए हैं और ये बेयरिंग के चेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो जहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि को कैसे लगा रहे हैं, ओए साबिर ये देखिए कुंडे कहाँ कुंडे, जहाँ पे हमारी लेबर लगी हुई है और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं जो चेयर्स हैं उनको बेल्ट कर रहे हैं पेडिस्टल के रेनफोर्समेंट के साथ। मैंने वहाँ पर बताया कि जी हमारे पास चेयर्स जो वहाँ पर लगाई हुई हैं जो सरिया आप देख रहे हो, और इसके ऊपर हम लेवल चेक कर रहे हैं इसका कि जो दोनों जो हमारे पास स्क्रू या बोल्ट लगाए हुए हैं दोनों का लेवल में रहना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे लेवल लिया हुआ है यहाँ पे और इनको ये लेवल कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए बबल जो है वो सेंटर में आना चाहिए तो उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ये लेवल होगा हमारा बबल सेंटर में आ जाएगा, ऐसे हमें चारों जो कॉर्नर हैं ये इस रेनफोर्समेंट के चेयर्स के जो हमने सारे बराबर करने हैं, ठीक है। हमें देख लीजिए कर रहे हैं और बबल हमारा सेंटर में आ गया, जहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारी ये जो बेयरिंग प्लेट जो है इसको हाइड्रा की हेल्प से ऊपर उठाया हुआ है और इसको अब हम रख रहे हैं चेयर्स के ऊपर, अभी चेयर्स के ऊपर इसको रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमने लगाई यहाँ पे बेयरिंग प्लेट, लॉन्गिट्यूडनल बेयरिंग प्लेट, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो पीछे में बताया। अभी आप जहाँ पर ये देख रहे हो जी इसे हम कहते हैं स्लीव्स, ठीक है। तो ये स्लीव्स होती है जिसको हम जहाँ पर ऐसे इंस्टॉल कर रहे हैं, ये देखो जहाँ पर जो हमारे बेयरिंग प्लेट का बेस है इसके साथ हमने यहाँ पे स्लीव्स इंस्टॉल कर दी हैं और स्लीव्स क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं बेयरिंग प्लेट को, ठीक है। जहाँ पे ये रेनफोर्समेंट के टॉप पे आ रही हैं, तो ये हमारे स्लीव्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, स्लीव्स कहते हैं। तो जहाँ पे देखो एक भाई जान हमारे लगे हुए हैं स्लीव्स लगाने के लिए, तो ऐसे टाइट करें यहाँ से देखो स्क्रू के साथ, तो ये हमारी स्लीव्स लगी हुई हैं यहाँ पर। तो इसके मैं कंपोनेंट बता देता हूँ बॉटम से, ये हमारा पेडिस्टल रेनफोर्समेंट आ जाता है, इसके ऊपर हमारा क्लियर कवर आ जाएगा 50 mm का। एंड देन ये हमारे पास जो स्टील देखने चाहिए जो चेयर्स हैं, ठीक है, चेयर्स होती हैं जो हमारी पेयरिंग होती हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, इनका लेवल मेंटेन करने के लिए। एंड देन हमारे पास क्या आती हैं, ये स्लीव्स आ जाती हैं, तो स्लीव क्या करती हैं, प्रॉपर सपोर्ट करती हैं हमारे बेयरिंग प्लेट को। तो इस तरह की इस ऐसे हम बेयरिंग लगाते हैं ब्रिज में। तो ये हमारी जो है लॉन्गिट्यूडनल बेयरिंग है और साथ में आप देख रहे हो ये जो बेयरिंग है, ये हमारे पास बेयरिंग है मेटालिक बेयरिंग। तो ये हमारी मेटालिक बेयरिंग है, इसमें स्लीव्स ऑलरेडी लगी हुई हैं, प्री फिटेड आती हैं कंपनी की, तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं होती हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए। और ये हमारी चेयर्स हैं यहाँ पे, ऐसे ही वहाँ पे हमारे पास लगी हुई है फ्री बेयरिंग। तो ये हमारे पास फ्री बेयरिंग है, तो फ्री बेयरिंग में ऑलरेडी इन्होंने स्लीव्स यहाँ पर लगा दी हैं और ये हमारी चेयर्स लगी हुई है, ये स्क्रू है हमारे पास 4 इंच का लगाया हुआ है यहाँ पर, और ये हमारा क्या है पेडिस्टल का रेनफोर्समेंट। तो जहाँ पर आप देखोगे ब्रीफिंग दी हुई उन्होंने यहाँ पर, ये लिखा हुआ टेस्टेड, ये टेस्टेड है, और यहाँ पे मैंने लिखा कि 50 मीटर स्पैन के लिए है। एंड देन लिखा कैप, तो कैप की कैपेसिटी कितनी है, 5,563 टन्स। एंड ये जो देखा फ्री वेयरिंग है और टी ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है और ये लॉन्ग जूनियर डायरेक्शन में है। तो अकॉर्डिंग टू देखेंगे अगर उसके हम प्लान के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने दिखाया है कि जो हमारी जो ये फ्री बेयरिंग है ये लॉन्ग जूनियर डायरेक्शन में लगानी है। तो ये हमारा क्या आ रहा है ट्रैफिक डायरेक्शन है, ये लॉन्ग जूनियर डायरेक्शन जो एल आम देख रहे हैं, ये हमारा लॉन्ग जूनियर डायरेक्शन है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की आपके साथ, जो नए नए लड़के ब्रिज में काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। थैंक यू।